आज ही डाउट नेट ऐप डाउनलोड करें डाउट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हे गाइस तो हम कर रहे हैं चैप्टर वन जो कि है द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग ठीक है तो इस चैप्टर के अंदर जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स तो इस टॉपिक में बेसिकली हम ये देखेंगे कि जो नेशन बिल्डिंग का हमारा प्रोसेस था वो पार्टिशन के बाद जो है एक एंड पे नहीं आया था एंड उसके बाद जो है एक और चैलेंज इंडिया ने जो फेस करा था वो था प्रिंसली स्टेट्स की जो इंटीग्रेशन थी जिसको हमने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस करा अब जो चैलेंज था वो ये था कि हमें जो है अपने इंडियन स्टेट्स की इंटरनल बाउंड्रीज को ड्रॉ करना था ठीक है तो उनको एक ऐसे तरीके से भी ड्रॉ करना था कि जो हमारी लैंग्वेजेस के टर्म्स में और कल्चर के टर्म्स में जो डायवर्सिटी है उसको हम रिफ्लेक्ट कर सके बिना इंडिया की यूनिटी को अफेक्ट करे ठीक है नाउ द चैलेंज अब चैलेंज क्या था हमारे पास टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट्स तो अब हमारे पास जो टास्क था वो ये था कि हमें जो है इंटरनल बाउंड्रीज इंडियन स्टेट्स की जो थी उनको फिर से ड्रॉ करना था एक तरह से इन स्टेट्स को फिर से रीऑर्गेनाइज करना था रिकंस्ट्रक्ट करना था फिर से फॉर्म करना था ठीक है सो ड्यूरिंग द कोलोनियल रूल द स्टेट बाउंड्रीज वर ड्रॉन ईदर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और सिंपली दे को टेरिटरीज दैट वर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और द टेरिटरीज रूल्ड बाय द प्रिंसली पावर्स कॉलोनियल रूल के दौरान जो है स्टेट बाउंड्रीज पे इतना ध्यान दिया नहीं जाता था ठीक है या तो वो ऐसे वे में ड्रॉन होती थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जो थी कॉलोनियल गवर्नमेंट को उसके हिसाब से या फिर वो जो है को करती थी यानी कि को करती थी उन टेरिटरीज के साथ जो कि एनेक्सड थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर उन टेरिटरीज के साथ जो कि प्रिंसली पावर्स रूल करती थी ठीक है नेशनल मूवमेंट प्रोमिस्ड

तो कांग्रेस के नागपुर सेशन के बाद जो कि 1920 में हुआ था उसके बाद इसी लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को ही रिकग्नाइज कर लिया गया था कि इसी के बेसिस पे ही जो है रीऑर्गेनाइजेशन होगी स्टेट्स की ठीक है और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको रेकोगनाइज कर लिया था नाउ थिंग्स चेंज्ड आफ्टर पार्टीशन and the लीडर्स thought that कार्विंग आउट the स्टेट्स ऑन the बेसिस ऑफ the लैंग्वेज माइट लीड टू the डिसरप्शन एंड disintegration तो पार्टीशन के बाद जो है हम देखते हैं कि थोड़ी सी जो चीजें थी वो चेंज हो गई थी इस टाइम पे लीडर्स ये सोच रहे थे कि अगर हम स्टेट्स को जो है लैंग्वेज के बेसिस पे कार्व आउट करेंगे या फिर उनकी फॉर्मेशन जो है लैंग्वेज के बेसिस पे करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा या तो डिस या डिसरप्शन हो जाएगा ठीक है एंड ऑल्सो इट वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट द कंट्री फेस्ड एंड द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन मैटर्स तो इन्होंने उस टाइम पे ये सोचा कि अभी बेस्ट है कि हम इस चीज को पोस्टपोन कर दें इस रीऑर्गेनाइजेशन को पोस्टपोन कर दें बिकॉज उस टाइम पे हमारी जो कंट्री थी वो बहुत से सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस ऑलरेडी कर रही थी नाउ दिस डिसीजन वॉज चैलेंजड बाई द लोकल लीडर्स एन द पीपल तो इस डिस और जो लोग थे ठीक है द प्रोटेस्ट बिगेन इन द तेलिगुस्पी एरिया ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस तो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो थे ओल्ड मद्रास प्रोविंस के वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे द विशाल आंध्रा मूवमेंट ये एक मूवमेंट थी दट गेंड मोमेंटम एज ए रिजल्ट ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट वैसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि एक डिसीजन नहीं ले पा रही थी इस रीऑर्गेनाइजेशन का तो इस वजह से ये जो मूवमेंट थी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई नाउ पोटी श्री रामुल्लू ही वेंट ऑन एन इनडेफिनेट फास्ट दैट लेड टू हिज डेथ आफ्टर फिफ्टी डेज तो ये एक ऐसे फास्ट पे चले गए जिसकी ड्यूरेशन जो है वो पता नहीं है ठीक है तो वो फास्ट चलता रहेगा जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी तो इस वजह से इनकी डेथ हो गई आफ्टर 56 सिक्स डेज दिस लेड टू अनरेस्ट एंड द वायलेंट आउटबर्स्ट इन द आंध्रा रीजन तो इस वजह से बहुत ही एक अनरेस्ट की सिचुएशन डिवेलप हो गई और बहुत से वायलेंट आउटबर्स्ट देखने को मिले आंध्रा रीजन के अंदर द पी एम अनाउंस दध्रा स्टेट इन डिसम्बर नाइनटीन फिफ्टी टू तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अनाउंस करा कि एक सेपरेट आंध्रा स्टेट बनेगा इन दिसंबर नाइनटीन फिफ्टी टू नाउ फॉर्मेशन ऑफ द आंध्रा वॉज अ स्ट्रगल

तो इस वजह से जो है स्ट्रगल शुरू हो गए बहुत से दूसरे स्टेट्स में कि हमारा भी जो है फॉर्मेशन जो है रीड्रॉइंग जो बाउंड्री है वो भी लिंग्विस्टिक लाइन्स पे होनी चाहिए और इसी वजह से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करनी पड़ी एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में एंड इन इट्स रिपोर्ट जो स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी इट एक्सेप्टेड दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेज तो इन्होंने ये चीज को एक्सेप्ट करा कि जो स्टेट्स की बाउंड्रीज हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के बेसिस पे बननी चाहिए एंड द स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास नाइनटीन ठीक है इस एक्ट को पास करवा दिया गया इन नाइनटीन दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ फोर्टीन स्टेट्स एंड सिक्स यूनियन टेरेटरीज जिसके बाद क्रिएट हुए फोर्टीन स्टेट्स एंड सिक्स यूनियन टेरिटरीज ठीक है तो गाइज ये था हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स तो इनिशियली जब ये डिमांड्स आई थी कि सेपरेट स्टेट्स चाहिए ठीक है तो उस टाइम पे ये लगा था कि इससे जो है हमारी कंट्री की यूनिटी बहुत ज्यादा खतरे में है ठीक है एंडेंजर हो चुकी है लेकिन हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के इतने सालों के बाद भी ठीक है जब लिंग्विस्टिक लाइंस पे स्टेट्स की फॉर्मेशन करी गई थी तो भी हमें देखते हैं कि इतने सालों के बाद भी वो यूनिटी अभी भी मेंटेन्ड है तो हम कह सकते हैं कि वो एक सही डिसीजन था ठीक है तो गाइज ये था हमारा टॉपिक रिओर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स थैंक यू क्लास एक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल था दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर